हाय, जीरो प्रो क्लब के आज के एपिसोड में मैं पुरुषार्थ आप सबका वेलकम करता हूँ। सबसे पहले आई जस्ट होप आप सब अपने अपने घरों पर बहुत ज्यादा सेफ हैं, हैंड्स को रेगुलरली सैनिटाइज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग एंश्योर कर रहे हैं एंड अपना बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। इसी के साथ एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड अपडेट्स और ट्रिविया के लिए आप बॉलीवुड ठिकाना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले हैं। तो आइए जीरो क्रोर क्लब के आज के एपिसोड में बात करते हैं ऋतिक रोशन के करियर की एक ऐसी मूवी की जिसके प्रोड्यूसर उनके फादर राकेश रोशन थे और इस फिल्म के साथ राकेश रोशन जी का प्रोजेक्शन कुछ ऐसा था कि इस फिल्म के साथ मैं अपने बेटे को नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी एक बहुत बड़ा स्टार बना दूंगा। फिल्म को 3000 स्क्रीन्स पर ग्लोबली रिलीज किया गया। इनफैक्ट ऋतिक रोशन ने भी इस फिल्म में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने इस फिल्म के साथ सिंगिंग में भी डेब्यू कर डाला, लेकिन फिर भी इस फिल्म को बॉलीवुड में आज तक एक बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के तौर पर तो याद किया जाता है लेकिन क्लासिक मूवी नहीं माना जाता। क्या थे वो रीजंस जिनकी वजह से ये फिल्म काइट्स इंडियन बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जो सबने एक्सपेक्ट किया था? आइए बात करते हैं उन रीजंस की जीरो क्रोर क्लब के आज के एपिसोड में। फिल्म काइट्स रिलीज हुई थी 21st of May 2010 को। फिल्म को प्रोड्यूस किया था राकेश रोशन साहब ने। फिल्म में डायरेक्शन था क्लासिक डायरेक्टर अनुराग बासु का। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी अनुराग बासु ने ही लिखा था। जब बात म्यूजिक की आती है तो राजेश रोशन साहब ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया था और सलीम सुलेमान ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया था। अगर बात करें इस फिल्म की स्टारकास्ट की तो आप सब जानते हैं, बारबरा मोरी, ऋतिक रोशन, उनके साथ कंगना रनौत, साथ में निकोलस ब्राउन, इनके साथ आनंद तिवारी, कबीर बेदी, यूरी सूरी और माधुरी भाटिया भी एज सपोर्टिंग कास्ट इस फिल्म में शामिल थे। तो आइए बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से ये फिल्म काइट्स इंडियन बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल परफॉर्मेंस नहीं दे पाई जो सबने एक्सपेक्ट की थी। टू मच ऑफ हॉलीवुड इन बॉलीवुड। जब आप ये फिल्म काइट्स देखेंगे तो आपको नजर आएंगे लास वेगस के सीक्वेंसेस, कार चेजेस, हॉट लेटना और साथ में टू मॉडर्नाइज्ड सिनेमाटोग्राफी। आपको ये फिल्म देखकर ऐसा लगेगा जैसे ये फिल्म ऑन एंड ऑन एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट के तौर पर रिलीज की गई है और राकेश रोशन साहब का इस फिल्म के पीछे आइडिया भी यही था। वो इस फिल्म के साथ ऋतिक रोशन को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टार बनाना चाहते थे, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने इस फिल्म के दो वर्जन्स रिलीज किए, एक 90 मिनट्स लेंथ का हॉलीवुड वर्जन और एक अप्रोक्सीमेटली 120 मिनट्स की लेंथ का बॉलीवुड वर्जन। अगर ऐसा ना होता और इस फिल्म का सिर्फ एक ही वर्जन बनाया जाता जो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों को मद्देनजर रखते हुए रिलीज किया जाता तो ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत अच्छा कलेक्शन कर सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका। इनफैक्ट द स्टोरी डिडंट हैव सो मच टू टेल। बॉलीवुड ऑडियंस काफी हद तक इस स्टोरी से कनेक्ट ही नहीं हो पाई। इनफैक्ट आप मेरा सेकेंड रीजन सुनेंगे तो आप मेरी बात से और ज्यादा इत्तेफाक रख पाएंगे। लैंग्वेज इशू। इस फिल्म में ऋतिक रोशन जो हैं वो फिल्म के काफी पार्ट्स में इंग्लिश बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनके साथ रोमांटिकली इस फिल्म में इन्वॉल्व बारबरा मोरी जो हैं वो नजर आ रही है स्पेनिश बोलती हुई पूरी फिल्म में। इनफैक्ट इंग्लिश बोलते हुए ऋतिक रोशन को हम फिर भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन बारबरा मोरी जब स्पेनिश बोलती हैं तो वो काफी लोगों के सर के ऊपर से चली जाती है। और आप जानते हैं एक लीड पेयर की केमिस्ट्री में लैंग्वेज एक बहुत बड़ी कम्युनिकेटर का काम करती है, लेकिन यहाँ पर ऋतिक रोशन और बारबरा मोरी जो है वो लैंग्वेज की वजह से भी रोमांटिकली काफी कुछ एस्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे हैं इस फिल्म में। इनफैक्ट अगर इस फिल्म में नेटिव लैंग्वेज हिंदी ही रखी जाती और साथ में सबटाइटल्स के तौर पर इंग्लिश दिखा दी जाती तो शायद इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत बेहतर हो सकता था, क्योंकि उस तरह से इंडियन ऑडियंस फिल्म से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर जाती। लेकिन फिल्म में ऋतिक रोशन की इंग्लिश और बारबरा मोरी की स्पेनिश एक बहुत बड़ा रीजन बना इस फिल्म के फ्लॉप होने का। इनफैक्ट काफी क्रिटिक्स का ये मानना भी है कि राकेश रोशन साहब ने इस फिल्म में एनआरआईज को टारगेट किया है बल्कि नेटिव इंडियंस के लिए इस फिल्म में ज्यादा कुछ है नहीं। कंगना रनौत का अंडर यूटिलाइजेशन। आप सब जानते हैं फिल्म को डायरेक्ट किया है क्लासिक डायरेक्टर अनुराग बासु ने, जिन्होंने एक वक्त में कंगना रनौत के साथ गैंगस्टर दी हुई है। उन्होंने कंगना को उनके करियर की एक बहुत बड़ी मूवी दी है जिसमें अनुराग का कंगना पर प्राइम फोकस रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों राकेश रोशन साहब के प्रोजेक्ट्स की जब बात आती है तो कंगना रनौत कहीं ना कहीं काफी बार इनकी मूवीज में अंडर यूटिलाइज रह जाती है। जैसे आप क्रिश सीरीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कंगना रनौत ने क्रिश सीरीज में भी काम किया है
लेकिन वहां पर भी स्क्रिप्ट में उनके लिए जो रोल दिया गया था वो कहीं ना कहीं उनके खुद के पोटेंशियल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। हालांकि कंगना रनौत बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने शुरुआत के दिनों से ही अपने लिए एक स्पेसिफिक ऑडियंस तैयार कर ली थी, जो आज तक सिर्फ कंगना रनौत को देखने के लिए सिनेमाघरों तक पहुंचती ही पहुंचती है। ऐसे में किसी भी राइटर डायरेक्टर के लिए कंगना रनौत को एक हाई स्क्रीन स्पेस देना एक बहुत प्रॉफिटेबल सौदा होता है। लेकिन यहाँ पर काइट्स में कंगना रनौत को उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया जिस तरह से उन्हें यूटिलाइज किया जाना चाहिए था। इनफैक्ट आप खुद सोचिए, अगर बाबरा मोरी की जगह एक सेकेंड को हम कंगना रनौत को रखकर देखें तो जब इंडिया की बात आती है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा हो सकता था इस फिल्म का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइटर डायरेक्टर ने शायद ये नहीं सोचा और इसी वजह से एक और रीजन मिल गया इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने का। हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन की लेंथ का डिफरेंस। जब आप इस फिल्म का हॉलीवुड वर्जन देखेंगे तो उसकी क्रिस्प कट शॉर्ट लेंथ 90 मिनट्स है, यानी कि उसमें काफी सॉन्ग सीक्वेंसेस हैं जिन्हें काटा गया है और फिल्म के काफी पार्ट्स को काट के एक 90 मिनट की क्रिस्प मूवी तैयार की गई है जिसे हॉलीवुड में रिलीज किया गया। लेकिन जब बात इसके हिंदी वर्जन की आती है तो तकरीबन 120 मिनट्स की लेंथ इस फिल्म को दी गई। आप कुछ जानते हैं, एक फिल्म को हिट करार कराने में इंडिया में क्लासेस और मासेस दो तरह की ऑडियंस जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है। जब बात क्लासेस की आती है तो उनके पास हॉलीवुड मूवीज इजीली एक्सेसिबल होती है। उन्होंने ये सोचा जब हमारे पास एक हॉलीवुड मूवी और एक हॉलीवुड वर्जन बनकर तैयार है तो फिर हम ये वाला वर्जन देखें ही क्यों। और जब बात क्लासेस की आती है तो उन्हें ये लगा कि फैमिली के साथ हम ये मूवी देखने नहीं जा सकते क्योंकि फिल्म में बहुत स्टीमी और हॉट सीन्स हैं। इस वजह से उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस फिल्म को नकार दिया और क्लासेस ने इसका हॉलीवुड वर्जन सिलेक्ट कर लिया। तो फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फेल होना एक जायज सी बात। लीड एक्ट्रेस को लेकर कंफ्यूजन। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर राकेश रोशन साहब सबसे पहले दीपिका पादुकोण के पास गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दीपिका को इस प्रोजेक्ट के लिए डिनाई करना पड़ा था क्योंकि वो किसी और प्रोजेक्ट पर उन दिनों बिजी हो रखी थी। हालांकि दीपिका पादुकोण जो है ऋतिक रोशन के काम को बहुत ज्यादा एडमायर करती है, जो उनके ट्वीट्स में कई बार नजर आ जाता है। वो ऋतिक को स्पेसिफिकली उनके काम के लिए अप्रिशिएट करते हुए ट्वीट्स करती है। आप खुद सोचिए, अगर दीपिका पादुकोण इस मूवी को साइन कर लेती तो इसकी इंडियन बॉक्स ऑफिस की पिक्चर बहुत उमदा निकल कर सामने आ सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। इसके बाद राकेश रोशन साहब इस स्क्रिप्ट को लेकर पहुंचे सोनम कपूर के पास। सोनम को 2010 में ऐसा लगा कि इस फिल्म को अगर मैं साइन कर लूंगी तो ये मेरी एक हॉट एंड स्टीमी इमेज को सामने लाएगा जो कि अभी मेरी इमेज के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, और इस तरह उन्होंने भी इस फिल्म के लिए ना कह दिया। इसके बाद एज थर्ड ऑप्शन ये फिल्म पहुंची बारबरा मोरी के पास, जिन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया। अब आप खुद सोचिए, अगर दीपिका पादुकोण जो है वो एक्चुअली इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ आती तो फिल्म की ओवरऑल पिक्चर कितनी बड़ी बनकर सामने आती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ और इस तरह एक और रीजन मिला इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाल ना करने का। इनफैक्ट आप सब ये जानकर बहुत हैरान होंगे कि मई 2010 किसी भी फिल्म की रिलीज के लिए एक बहुत अच्छा मंथ था। इस पूरे मंथ में एक भी बहुत क्लासिक फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी। मैं आपको मई 2010 की सारी मूवी रिलीजेस के एनालिटिक्स देता हूँ। 7th ऑफ मई को बदमाश कंपनी जो है वो रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। 14th ऑफ मई को बम बम बोले नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी जो बहुत उमदा काम नहीं कर पाई थी। 21st ऑफ मई को काइट्स की रिलीज के लिए बिल्कुल राइट टाइम था, और अगर फिल्म जो है वो इंडियन ऑडियंस के दिलों पर छा जाती तो वाकई बहुत अच्छा काम इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करके दिखा सकती थी। लेकिन ये नहीं हुआ। इनफैक्ट इसके एक हफ्ते बाद भी 28 तारीख को जो फिल्म रिलीज हुई उसका नाम था अशोक चक्र, और वो भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई। इस तरह दिस इज एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक इतनी अच्छी रिलीज स्पेस को काइट्स उस समय यूटिलाइज नहीं कर पाई। तो ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से 100 करोड़ के बजट पर बनी ये फिल्म काइट्स बॉक्स ऑफिस पर अपनी मेकिंग कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाई। और एक्चुअली राकेश रोशन, जो कि इस फिल्म के साथ ऋतिक रोशन को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टार बनाना चाहते थे, उन्होंने इस फिल्म में ऋतिक रोशन की डेब्यू सिंगिंग परफॉर्मेंस भी रखवाई। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बावजूद ऋतिक रोशन को इस फिल्म से वो सक्सेस नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि आज जब हम ऋतिक रोशन की सुपर 30 जैसी मूवीज देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने स्ट्रगल के बाद एक्चुअली ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड में अपना मार्क बना लिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि किसी भी तरीके की एक्टिंग वो बखूबी कर सकते हैं, और वो एक्चुअली एक बहुत ही प्रोफाउंड एक्टर हैं जिनसे हर डायरेक्टर बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है आने वाले वक्त में।
With this is me Purushart signing off. अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए reasons में से कोई एक reason बहुत ज़्यादा valid reason है, तो वो reason कौन सा है? उसे comment section में highlight कर दीजिए. अगर आपके पास मेरे बताए हुए reasons के अलावा कोई additional reason है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि Kites box office पर बहुत अच्छा performance नहीं दे पाए, तो वो reason कौन सा है? उसे भी highlight कर दीजिए comment section में. With this is me Purushart signing off. Bollywood updates, entertainment और trivia के लिए Bollywood ठिकाना को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिए और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए. Thank you so much.